अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा फरमाइश के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे जिगर ने मुझे फरमाइश की, रिक्वेस्ट की कि मुझे वीडियो बना के दे। तो मेरे पास इसी की काश्त हुई है। इसको कहते हैं उर्दू में कपास और इसको काटन भी बोलते हैं इंग्लिश में। काटन की काश्त की हुई है कुछ दिन पहले, तकरीबन इसको 2 हफ्ते हो गए हैं इसको कास्ट किए हुए। ये तकरीबन 12 कनाल तो सही नहीं हुई, अल्लाह पाक रहमत करे, बस थोड़े से खसारे में। लेकिन ये धीरे 12 और 4 16 कनाल माशाल्लाह अच्छी हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ, दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में अपना इजहार ज़रूर करना। मैं देखूँगा खुद जो वीडियो बना रहा हूँ। मैं अक्सर इसी टाइप की वीडियो बनाता रहता हूँ, मेरा एक और चैनल है। तो इरफान भाई की बहुत ही ज़्यादा फरमाइश के साथ मैं वीडियो बना रहा हूँ। उस पर हमने बहुत सारी गलती की जिसमें हमारी फसल कम हुई। अगर वो हम गलतियां ना करते तो शायद ही हमारी फसल अच्छी आ जाती। यही बात थी, जो ज़मीन नरम है अभी तक बीज निकल रहा है, उसी उसी ज़मीन में ज़मीन नरम थी नहीं थी, तो इसलिए बीज चल गया अंदर ही रह गए। लेकिन दोस्तों बहुत ही अच्छी हुई जी माशाल्लाह, अभी भी इतनी ख़ास नहीं हुई माशाल्लाह, लेकिन उसके हिसाब से बहुत अच्छी हुई है। जिसमें फसल कम हुई, कपास के पौधे कम निकले हैं काटन के, वहाँ मिट्टी ज़्यादा है और रेत कम है। दोनों को मिट्टी ही कहते हैं, लेकिन इसमें वे फ़र्क है, ये नरम है, उसमें इस तरह हाथ नहीं लग जा सकता जैसे ये नरम पड़ी हुई है ना। ऊपर से खुश्क मिट्टी भी इतनी नरम है, लेकिन वो इतनी नरम नहीं है, इसीलिए उसी में बीज कम निकला है। उसी से निकलते निकलते वो जल गया खुद ही, उसी इतनी ताकत नहीं थी उस बीज में कि वो मिट्टी को तोड़ सके और बाहर निकल सके, बिल्कुल ऊपर से सख्त हो गई थी। तो अगर आप लोगों के पास बारिश हो जाए, 2-3 तरीके हैं जो हमें पहले पता था लेकिन हमने मतलब इग्नोर कर दिया, उसका हम भुगतान कर रहे हैं। मैं आप लोगों को 3-4 तरीके बता देता हूँ ऐसे कि इंशाल्लाह, मैं इतना बड़ा किसान तो नहीं हूँ लेकिन मैं अपनी नॉलेज से ये बात कह सकता हूँ गारंटी के साथ। जैसे कि हम कपास बीजते हैं, गंदम बीजते हैं, बीजने के बाद अगर नहीं होती तो हमें नुकसान बहुत होता है। उससे बेहतर है हम कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करें, कुछ मैं भी ले रहा हूँ और आप मेरी वीडियो से भी कुछ ले सकते हैं। एक बात ये कि देखें, हम अब कपास उगा रहे हैं, कास्ट कर रहे हैं कपास की, तो पिछले साल हम देख सकते हैं कि पिछले साल बारिश हुई थी, किस सीज़न में हुई थी। स्टार्ट में अब हुई है बारिश, सेकंड में होगी, फिर होगी, फिर होगी, जब कपास की चुनाई होगी उसी टाइम देखें कि अगर कपास में चुनाई के दौरान बारिश हो रही है या फिर लगातार होती रही है तो उस मौसम के बीज मत लेना, मतलब इस सीज़न के बीज मत लेना, क्योंकि इसमें बारिशें बहुत हुई हैं, इसके अंदर वाला बीज जो होता है वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है और गल जाता है। जब ये हम इस सीज़न का बीज लेंगे तो वो बीज हमें नुकसान देगा, 10 में से 2 या 4, 2 या 3 हो गए सही, मतलब कोई कोई वो भी सही नहीं होते 10 में से, तो हमें ये नुकसान होता है। बीज निकलते कम है, ये निकलते हैं तो जल जाते हैं, कम से कम 4-5
दाने तो लाजमी होने चाहिए। अब इसको कुछ एक और बीमारी लग जाएगी, किसी को तने की बीमारी लग जाएगी, अल्लाह ना करे किसी को हम गर्म हवाएं चलती हैं कपास के दौरान, कोई वैसे ही जल जाती हैं। जैसे ये हैं 5, 6, 2, 4, 6, 7 बीज लगे हुए, ये सही हैं। मतलब जो बीज हम इस साल का नहीं लेंगे, पिछले साल का लेंगे, वो भरपूर होगा और 10 के 10 ही उगेंगे। उससे ये होगा, ये कुछ बड़े होंगे, हम इसको 2-4 को निकाल देंगे, इससे कोई मसला नहीं है। जब बीज नहीं होता तो यहाँ पे बीजेंगे, यहाँ पे दोबारा काश्त करेंगे, यहाँ पे सही नहीं होगा। तो एक बात ये कि आपने बारिश वाले सीज़न के बीज नहीं लेना। दूसरी बात ये, अगर आप लोग ले भी लेते हैं तो सब्र करें, मौसमियात के पता रखें कि हम जब काश्त करेंगे तो काश्त करने के बाद कितने दिन तक मौसम सही रह सकता है। आप तो माशाल्लाह टेक्नोलॉजी का दौर है, मोबाइल भी बताते हैं, लेकिन हमसे ये गलती हो गई और मैं नहीं चाहता कि किसी और से ये गलती हो। और गलती इतनी बड़ी हो जाती है कि हम नज़र आ रहे हैं, हम क्या करें, इसको बहुत मुश्किल नज़र आ रही है सब कुछ करना। शुरू में तो आसानी होती है करने के लिए, लेकिन सेकंड करने के लिए बड़ी मुश्किल हो रही है हमें कि हम कैसे बीजें। तो मेरा आप लोगों के साथ ये मशवरा है कि आप अगर बीज रहे हैं तो कम से कम 7 दिन का वक्फा, कम से कम 7 दिन का वक्फा हो। जो अगर बारिश 7 दिन के बाद होती है तो कोई मसला नहीं है, 7 दिन नहीं तो कम से कम 5 दिन का फासला लाजमी होना चाहिए बारिश के दरमियान। तो अभी मौसम बिल्कुल हमारे इलाके का, हमारे पाकिस्तान का मौसम बिल्कुल चेंज हो गया है। बारिश अचानक आ जाती है और ज़्यादा होती है। तो दूसरी बात यह है कि आपने मौसम का ख्याल रखना है, और पहली बात यह है कि आप लोगों ने बारिश वाले सीज़न का बीज हरगिज़ नहीं खरीदना। और तीसरी बात यह है कि अगर आप बारिश वाला बीज ख़रीद रहे हैं तो आप लोगों ने करना क्या है कि जहाँ पे मतलब 5 किलो बीज लगता है एक 4 कनाल में, आपने 6 से 8 किलो बीज 4 कनाल में लगाना है। गलती से आप अपना बीज खुद रखते हैं तो आपको पता नहीं था, आपको बीज लेने से या फिर आपके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप ख़रीद सकें बीज, आपने अपना बीज रखा है। तो आप लोगों ने करना क्या है, जहाँ आपका बीज इस्तेमाल होता है 5 किलो इस्तेमाल होता है अक्सर, आप लोगों ने 6 से 8 किलो बीज इस्तेमाल करना है। उससे ये होगा कम से कम 15 से 20 बीज के दाने एक जगह पे लगेंगे, उससे कम बीज लग सकते हैं। कम से कम 4 या 5 बीज तो उगेंगे ना इंशाल्लाह, इतना लाजमी होता है। हमसे एक ये भी गलती हो गई, हमने बीज कम इस्तेमाल किया, जहाँ पे बीज ज़्यादा इस्तेमाल किया वहीं पे 10-10 बीज लगाने से सिर्फ 2 ही हुए हैं। 10 बीज हमने पहले नहीं लगाए, एक 8 कनाल में लगाए, उसी में माशाल्लाह ये देख सकते हैं दोस्तों, कोई कोई 10 के 10 ही होते हैं और कोई 10 में सिर्फ 2 निकलते हैं। तो हमसे ये भी गलती हो गई है बहुत बड़ी कि हमने बीज कम डाला। तीसरी ये बात है कि हमने बीज ज़्यादा डालने हैं। 3 बातें, चौथी बात ये कि दोस्तों ज़मीन अच्छी तरह तरीके से बनी हो और कम फासले पे बीज लगाना चाहिए बीज के पौधे कम फासले पे लगाने चाहिए। और हम डरते हैं कि इसको निकालेंगे कैसे, ये खुले होने चाहिए, ये लाजमी है। कपास की फसल को खुला हो लाजमी होना चाहिए, ये मैं भी जानता हूँ, सब लोग जानते होंगे, मेरे भाई, मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों सब जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि फसल को इसमें सिर्फ 2 ही रहने चाहिए, 2 या 3 मैं जानता हूँ। जब ये बड़े होंगे, तंदुरुस्त हो जाएंगे, तकरीबन इतने ज़्यादा भी नहीं कि इसको खुराक, थोड़ी सी खुराक, 2-4 खुराकें ऐसी लगेंगी खादों की, तो बड़े हो जाएंगे, इससे हमारी टेंशन दूर हो जाएगी कि अब हम इसको अलहदा कर लेना चाहिए। इससे हम और पौधे निकाल लेंगे, सिर्फ 3 या 4 रहने देंगे, क्योंकि हमें बाद की टेंशन नहीं रहेगी कि इसमें और कोई बीमारी लग सकती है। लगती तो है, लेकिन हम उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। कम से कम हमें यह तो पता है कि हमारी फसल उगी हुई है और आगे इसको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हो सकता। तीसरी बात ये, बीज अच्छे से लगा होना चाहिए, इतना होना चाहिए,
कम फासले पे होना चाहिए। अब ये देख सकते हैं कम कम फासले पे है। अब ये नहीं भी हुआ तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये मिल जाएगा। इससे ये भी होता है, मतलब यहाँ पे बीज नहीं भी हो सकता, ना भी हो देख सकते हैं कहीं कम फासले पे नहीं है कोई भी, बिल्कुल क्लोज हैं। अब ये और ये इसकी गैप को पूरा कर लेंगे। इसका एक ये भी फ़ायदा है, ये मेरी चौथी बात करने का ये फ़ायदा है कि हम इसको और इसको इस वाले पौधों को ये जहाँ इस जगह पे पौधा होना चाहिए था नहीं हुआ, तो कम फासले पे ये तो पूरे हो गए हैं तीन। अगर यहाँ पे नहीं है ये और ये, इसकी इस जगह गैप को पूरा कर लेंगे इंशाल्लाह। तो मेरे कहने का ये भी मकसद है। और भी बहुत सारी बातें हैं फ्रेंड्स जो मैं आप लोगों को कह सकता हूँ, कहने वाला हूँ। और भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे मशवरे हैं और बहुत सारे ट्रिक्स हैं जो आप इसको इस्तेमाल करके इंशाल्लाह अच्छी फसल को उगा सकते हैं। तो वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है और आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे भाई के चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को अगर तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों की ज़मीन ज़रखेज़ नहीं है तो आप अपनी ज़मीन को एक्सचेंज करें, मतलब नीचे वाली ज़मीन को ऊपर लाएँ, ऊपर वाली ज़मीन को नीचे करें। इसका ये फ़ायदा होता है, ज़मीन नरम होती है और फसल अच्छी होती है। माशाल्लाह 3 साल हो गए हैं हमारी फसल ज़मीन चेंज हो गई है, ऊपर मतलब ऊपर वाली नीचे की, नीचे वाली ऊपर की, नीचे रेत होती है और ऊपर मिट्टी होती है। तो फर्स्ट कम से कम 1 साल तो सही नहीं होते, लेकिन आगे माशाल्लाह अच्छी हो जाती है। अब यहाँ हम इसकी भरपाई पूरी करेंगे और हम इस पर दोबारा बीज लगाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मेरी सलाह कल लगाएंगे। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और कुछ आप लोगों को तजर्बा हो तो मुझे भी बता देना, कमेंट देखता रहूँगा मैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।